बड़ी खबरों का रुख करेंगे और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचेंगे। आज पीएम मोदी का दौरा है जम्मू कश्मीर का। आज 30,000 करोड़ रुपए की सौगात देने वाले हैं पीएम मोदी। 1500 नियुक्ति पत्र भी पीएम मोदी के जरिए बांटे जाएंगे। पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। जम्मू कश्मीर में एम्स का उद्घाटन भी होना है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा सख्त कर दी गई है। सुरक्षा को देखते हुए जम्मू में धारा 144 लागू कर दी गई है। पीएम मोदी का आज जम्मू कश्मीर का दौरा खास माना जा रहा है। अलग अलग लिहाज से 2024 से पहले ये दौरा खास असर डालने वाला है। साथ ही साथ जो हजारों करोड़ की सौगात जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलने वाली है, उससे सीधा फायदा भी जम्मू कश्मीर के लोगों को होगा। साथ ही साथ जिन योजनाओं की शुरुआत और शिलान्यास होगा, उनका लाभ भी आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के लोगों को होगा। 30,000 करोड़ की सौगात देने वाले हैं पीएम मोदी, जिसमें 1500 नियुक्ति पत्र बांटेंगे। पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन भी होगी, जिसे हरी झंडी पीएम मोदी के जरिए दिखाई जाएगी। जम्मू कश्मीर में एम्स का उद्घाटन भी पीएम मोदी करेंगे। जिस तरीके से अनुच्छेद 370 का जिक्र होता है और मोदी सरकार के जरिए बार बार ये कहा जाता है कि ऐतिहासिक ये फैसला रहा जो कोई नहीं कर पाया, वो मोदी सरकार में हुआ। और अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से कहते भी हैं कि जिन्होंने 370 को हटाया, उन्हें जनता 370 पार कराएगी। यानी कि जो एनडीए का नारा है 400 पार का और बीजेपी का है 370 पार का, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग मंच से बातें कहते हैं। और अब चूंकि आज जम्मू कश्मीर का दौरा है और बड़ी सौगातें आज जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलने वाली हैं। अपनी नियुक्ति का इंतजार जो युवा कर रहे थे, 1500 नियुक्ति पत्र भी पीएम मोदी के जरिए दिए जाएंगे। एम्स का उद्घाटन होगा। खासियत ये कि 60 सीटों वाला ये नर्सिंग कॉलेज रहेगा और अगर किसी को कोई भी तकलीफ होती है स्वास्थ्य संबंधी, तो वो एम्स में जाकर सीधा इलाज करा पाएगा। बाकी शिक्षा के लिहाज से, विकास के लिहाज से, व्यापार के लिहाज से जम्मू कश्मीर में लगातार मौके बढ़ रहे हैं। और जिस तरीके के बदले माहौल की लोग बात करते हैं, उसका असर 2024 में भी जाहिर तौर पर देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर जब पहुंचेंगे तो जनसभा को संबोधित भी करेंगे पीएम मोदी। आशिक मीर हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ गए हैं, मनोहर केसरी दिल्ली से हमारे साथ हैं, अजय जांडियाल जम्मू से जुड़े हुए हैं। सभी अपडेट जम्मू कश्मीर के दौरे से जुड़ा हुआ पीएम मोदी को लेकर हमारे सभी सहयोगी पहुंचाएंगे। सबसे पहले अजय, मैं आपका रुख कर रही हूँ। जिस तरीके से पीएम मोदी का दौरा है और ये जो 30,000 करोड़ की सौगातें हैं, आम लोगों में तो बड़ी उत्सुकता होगी। तैयारियां क्या हैं, क्या कार्यक्रम आज दिन भर का रहेगा? देखिए, बिल्कुल, ये माना जा रहा है कि लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं इस एमएस स्टेडियम में जो है वो जुटेंगे और प्रधानमंत्री को सुनेंगे। क्योंकि पिछले 10 सालों में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब प्रधानमंत्री बनने से पहले इसी स्टेडियम से ललकार रैली में कहा था, या उसके बाद 2019 के चुनावों में कहा, वो पूरा किया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीदें और बढ़ जाती हैं। जैसा कि कल हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो पीएमओ के मंत्री हैं, जब उनसे भी बात करें तो उन्होंने कहा था कि जो कमिट किया था उसके अलावा जो लोगों ने सोचा नहीं था वो जम्मू कश्मीर में हुआ है। चाहे वो 370 हटना हो, चाहे वो 35A का हटना हो, चाहे जम्मू कश्मीर के उन लोगों को जिनको नागरिकता नहीं थी, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों की बात की जा रही है, गोरखा समाज की बात की जा रही है, वाल्मीकि समाज की बात की जा रही है, या अब जो पीछे मास्टर स्ट्रोक जो खेला है केंद्र सरकार की तरफ से, जब ये फैसला लिया गया कि एसटी स्टेटस जो पहाड़ियों को दिया जाएगा, आप सोचिए लाखों पहाड़ी पिछले 4 दशकों से लगातार इस चीज को लेकर जद्दोजहद कर रहे थे कि उनको पहाड़ी स्टेटस मिले, एसटी का स्टेटस मिले पहाड़ियों को, और उसे जो है वो दिया नहीं जा रहा था। मगर कुछ ही महीनों में जब ये चीजें सरकार तक पहुंची, देखा गया जब कमेटियां बैठी, उस पर सब कुछ होने के बाद जब उस पर फैसला हो गया पार्लियामेंट में, तो कहीं ना कहीं उस सब चीजों की उत्सुकता जो है वो लोगों में है, और उसी का असर जो है आज की जनसभा में देखने को मिलेगा। और खासतौर पर जो 31,061 करोड़ के जो प्रोजेक्ट हैं उनको जो लोगों को समर्पित किया जाएगा, चाहे वो इलेक्ट्रिक रेल की बात की जाए श्रीनगर में, चाहे वो एम्स की बात की जाए। जम्मू कश्मीर पहला ऐसा यूनियन टेरिटरी है जहां पर 2 एम्स होंगे, एक जम्मू में
एम्स बनेगा बना है कश्मीर में जो है वो बन रहा है। इसी तरह से आप देखें आईआईटी आईआईएम और तमाम वो बड़े प्रोजेक्ट चाहे वो नेशनल हाईवे के 6 लेनिंग की बात हो चाहे वो रिंग रोड की बात हो श्रीनगर में हो जम्मू में हो ये तमाम फैसले जो हैं वो सरकार ने लिए जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर की आज तस्वीर बदली है। 2 करोड़ सैलानी जो है वो कश्मीर में पहुंचे हैं वो किस तरह से क्योंकि टेररिज्म से बदलकर अब टूरिज्म की जो तस्वीर कश्मीर की है उस चीज ने जो है ये बदलाव लाया है। तो ये कहीं ना कहीं जो बड़े अहम फैसले और ये बहुत बड़ा फैसला और बहुत बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर के लोग महसूस करते हैं। मनोहर केसरी मेरे साथ हैं और अभी पीसीआर ने मुझे बताया मनोहर कि आप भी इस खास दौरे को देखते हुए अभी जम्मू में ही मौजूद हैं। जिस तरह की तैयारियां वहां पर देख रहे हैं आप उन्हें जरूर दिखाइएगा। साथ ही साथ अजय ने यह भी बताया है कि ऐतिहासिक फैसलों का असर जम्मू कश्मीर के लोग महसूस भी करते हैं और वो साफ फर्क नजर भी आता है जिसका सीधे तौर पर सपोर्ट भी अब मोदी सरकार को मिलेगा आने वाले वक्त में। देखिए मैं बता दूं कि मैं अब पहुंच रहा हूं श्रीनगर रेलवे स्टेशन का और ये यहाँ का नजारा आप देखिए क्योंकि ये जन्नत कश्मीर कहलाता है और धरती का जन्नत यहीं पर है। यहाँ सफेद चादर की पहाड़ियों से ये श्रीनगर पूरा ढका हुआ है और ये आप देखिए इसकी देश की और देश की और आज जो है सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन इलाकों को सौगात देने वाले हैं। धारा 370 हटने के बाद विकास की गति राह पकड़ी है तेजी से चल रही है नया भारत सत भारत की आज कर रहा है और देश सही कहा जाए कि जम्मू कश्मीर से लेकर के श्रीनगर जो रेल कनेक्टिविटी है 272 किलोमीटर का उनमें से 160 किलोमीटर पहले से ही चल रहा है जो बारामूला से लेकर के बनिहाल तक। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर वासियों को पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन देने वाले हैं सौगात के तौर पर। 11:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू पहुंचेंगे और श्रीनगर वासियों के लिए 12 बजे हरी झंडी दिखाएंगे पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन क्योंकि पूरा ये रूट जो है 180 किलोमीटर का रूट है जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है। ये आप देखिए कार लगाई जा चुकी है इस इलाके में भी अब जो है तो इलेक्ट्रिक ट्रेन मेमू ट्रेन चला करेगी जिससे यहाँ के लोगों को काफी राहत मिलने वाली है क्योंकि अभी ठंड का मौसम है तो इन इलाकों में हाईवे जाम हो जाता है हाई स्नोफॉल होता है कल भी काफी तेज बारिश हो रही थी तो हाईवे जाम था तो लोगों का सफर आनंददायक हो और कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल कनेक्टिविटी हो तो अब महज कुछ ही दूरी पे है। एक और सेक्शन है इसी रूट पे जो 48 किलोमीटर का है बनिहाल से संगल धाम तक उस नए सेक्शन को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेन सेवा शुरू करने वाले हैं। तो ऐसी इन इलाकों में विकास की गति राह पकड़ेगी लोगों का आना जाना सुगम हो सकेगा क्योंकि बारामूला से अगर संगम धाम आप जाएंगे तो लगभग 8 से 9 घंटे का वक्त लग जाता है जब जाम मिलता है तो ऐसी स्थिति में अगर ट्रेन से वो सफर करते हैं तो महज 4 घंटे में ही वो पहुंच जाएंगे। पैसे भी कम लगेंगे इको फ्रेंडली भी होगा क्योंकि इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है। जहां तक आप बारामूला से जम्मू की बात करें क्योंकि हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सचिन रोदलिया भी हैं इनसे हम बात करेंगे। सचिन भी लोकसभा चुनाव नजदीक आने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सो इस प्रोजेक्ट को जो 30,000 से ज्यादा करोड़ की प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर वासियों को देने वाले हैं इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जिस रूट पर चल रहे हैं ये यहाँ पर भी कहीं इलेक्ट्रिफाइड ट्रेन जो है सो चलने वाली है। और आज इसका एक सेक्शन 48 किलोमीटर का मनोहर जिस तरीके से आप बता रहे हैं पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कैसे पैसों की अब बचत होगी कैसे टाइम भी बचेगा और कैसा सुहाना ये सफर रहेगा उस सफर का आनंद आप अभी से ले रहे हैं जिस तरीके से आज इसकी शुरुआत भी होने वाली है। आशिक मीर भी मेरे साथ श्रीनगर से मौजूद हैं आप श्रीनगर स्टेशन से लाइव रिपोर्ट पहुंचा रहे थे और आशिक मीर छतरी लेकर खड़े हैं। आशिक क्या अभी बारिश हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का समय क्या है?
देखिए मैं आपको बताऊंगा कि जिस हिसाब से लगातार मौसम में तब्दीली देखने को मिल रही है, पहाड़ों को बर्फ तो मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है, वही इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 12 बजे के करीब जम्मू एमए स्टेडियम पहुंचेंगे, जहां पर वो बड़े प्रोजेक्ट्स का जो है इनेगात करने जा रहे हैं, इनॉग्रेशन करने वाले हैं। एक हिस्टोरिकल विजिट है ये प्रधानमंत्री का, क्योंकि जिस डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर लोग जो है काफी देर से तरस रहे थे, जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा की अगर हम बात करें तो ये वो शहरा है जो ज्यादातर इफेक्ट रहता था जब भी यहाँ पर मौसम में खराबी रहती है, तो ये जगह जो है, ये शहरा जो है जगह जगह पर बंद रहता था, जिसकी वजह से लोगों को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, चाहे खाने पीने की चीजों की अगर हम बात करें या लोगों को सफर करने के लिए अगर हम बात करें। तो आज जो डेवलपमेंट हो रही है, जो बानीहाल से माफ कीजिएगा संगलदान से बारामूला रेल चलाई जा रही है, ये एक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के तौर पर यहाँ के लोग भी मानते हैं, क्योंकि आज से पहले अगर हम देखें तो 50 साल पहले जम्मू तक रेल पहुंचाई गई थी, लेकिन 50 साल तक कश्मीर रेल नहीं पहुंची थी, जिसका लोगों को यहाँ पर काफी ज्यादा खामियाजा भी उठाना पड़ा। लेकिन आज जो जम्मू में प्रधानमंत्री का विजिट है जम्मू कश्मीर का, तो ये दौरा जो है काफी अहमियत माना जाता है, काफी इंतहाई अहम माना जाता है इस लिहाज से, क्योंकि कई सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो है इनॉग्रेट होने वाले हैं, और लोगों की दरीना मांग रही है कि जिस हिसाब से यहाँ पर हालात बदले हैं 2019 के बाद, जिस हिसाब से डेवलपमेंटल काम चलाए जा रहे हैं, चाहे हम श्रीनगर समेत कई जगहों की बात करें, तो आहिस्ता आहिस्ता से पटरी पर जो है ट्रैक आ रहा है, रेल पटरी पर आ रही है, और लोग भी यही चाहते थे कि यहाँ पर डेवलपमेंट इसी तरह से हो। 30,500 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है फिलहाल इसकी इनॉग्रेशन की जा रही है, चाहे मुख्तलिफ शोबों की अगर हम बात करें, रोड्स की बात करें, ट्रेन्स की बात करें या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात करें, तो ये वो प्रोजेक्ट्स है जिनके लिए यहाँ पर आम इंसान जो है तरस रहा था। जी लेकिन अब लोगों का इंतजार पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। मनोहर केसरी भी मेरे साथ में हैं, अजय जांडियाल भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। मनोहर, जिस ट्रेन में आप फिलहाल सफर कर रहे हैं, उस ट्रेन की खूबियां आपने बताई, लेकिन लोगों के बीच में इंतजार ये काफी लंबा था, जो इंतजार अब पूरा हो रहा है, जैसे कि आशिक भी जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा है, 50 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। 50 साल पहले जब अगर ये जम्मू से कश्मीर तक कनेक्ट हो जाता तो और भी वीरानी होती, जिस प्रकार से लोग रोजगार के मुताबिक आसान हो गया है सफर, और अब जब रेल कनेक्टिविटी हो जाएगी तो बहुत ज्यादा आसान होगा। एक बार फिर हम सुबह मनोहर ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि कोई नेटवर्क इशू है, उसे ठीक कराने की कोशिश करते हैं। बाकी आप आगे लगातार हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि खास ये दौरा जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, बहुत सी खास तस्वीरें आज दिन भर निकल कर सामने आएंगी, तो वो सभी अपडेट्स आप ही लोगों के जरिए दर्शकों तक हम पहुँचाएंगे। अभी के लिए आप सभी का शुक्रिया।